करेंगे बातचीत। हमारी अगली कुछ खास खबरों को लेकर बता दें, खबर आ रही है वैर भरतपुर से, जहां पर देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती हुई महंगाई में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व खाद्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों से आम नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसे लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बौडा गांव स्थित पेट्रोल पंप पर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुगर सिंह खैराना बताया कि लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता सोनिया गांधी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डेटासरा के निर्देश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वैर द्वारा केंद्र सरकार की गलत नीतियों से बढ़ती हुई महंगाई एवं गलत नीतियों के कारण डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व अन्य खाद्य वस्तु की बढ़ती हुई कीमतों से आम नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री जी, आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा था उसको आप करिए। सदैव सदैव ये हम सभी जानते हैं, देश की 135 करोड़ अगर ये जनता जानती है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इनकी अगर ये नीयत और इनकी नीति साफ नहीं है, अब देश की 135 करोड़ जनता समझ चुकी है। आज आपने देखा है कि हमने सबने यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने सभी यहाँ पर ये महंगाई के विरुद्ध हमने यहाँ पर अनशन किया है।